भारी बहुमत से हम लोग जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। देश के नाम पे कोई बीजेपी और आरएसएस से पैसे लेकर अगर कोई खड़ा हो रहा है तो इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। देश का कोई औपचारिक उम्मीदवार हम लोगों ने घोषित नहीं किया है, ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच का नहीं है ये चुनाव, आज बेईमानों और ईमानदारों के बीच का है। डॉक्टर हीरालाल अलावा जो एक चर्चित नाम है कि परिचय का मोहताज नहीं है, जो जेएस के फाउंडर मेंबर है और मनावर से विधायक भी है, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर आप आए हैं आज जी, किस लिए आए थे? आज महेश पटेल जी जो यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी है उनका आज नामांकन फार्म भरना था और उनके समर्थन में आज हम लोग आए हैं। और निश्चित ही आज से जो चुनाव की जो औपचारिक रूप से जो शुरुआत हो रही है और इस चुनाव में हम लोग जो हमारे प्रत्याशी है महेश पटेल जी को भारी बहुमत से हम लोग जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। जयस का भी उम्मीदवार खड़ा होने की बात चल रही है? देखिए, जयस का कोई औपचारिक उम्मीदवार हम लोगों ने घोषित नहीं किया है, ना ही हम लोग खड़ा कर रहे हैं। जयस के नाम पे कोई बीजेपी और आरएसएस से पैसे लेकर अगर कोई खड़ा हो रहा है तो इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और रही बात जयस की, तो आज जब देश में या प्रदेश में मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य राज्य में जब आदिवासियों पर अत्याचार शोषण बर्बरता की हदें पार हो रही हो, आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा हो, आदिवासी युवाओं को गोली मार दी जा रही हो, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासी युवाओं को जेलों में बंद किया जा रहा हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार को इस विधानसभा सीट पे हराना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रदेश और जोबट विधानसभा के समस्त युवा आज शिवराज सिंह चौहान के आदिवासी विरोधी नीतियों का जवाब देने के लिए तैयार है और निश्चित ही इस चुनाव में हम जीतेंगे। लेकिन भाजपा जो है वो शिवराज सिंह आदिवासी के हित से बताती है। जयस की दो मांग, तीन मांगे हैं, पांचवी अनुसूचित जाति, छठी अनुसूचित और पेशा कानून। तो वो पेशा कानून तो अभी लागू किया है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान को राज करते हुए 18 साल हो गए हैं। 18 साल में पहली बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब जोबट चुनाव आया तब पेशा कानून की बात कर रहे हैं। आप बताओ कि पिछले 18 साल में शिवराज मामा ने एक बार भी पेशा कानून के ऊपर दो शब्द नहीं बोले। पांचवी अनुसूची पे अभी भी मामा ने दो शब्द नहीं बोले। मध्य प्रदेश में सिर्फ ये जोबट उपचुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशा कानून की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आदिवासी के लिए जो कानून बने, चाहे पेशा कानून हो, पांचवी अनुसूची हो, वनवासी बोलते हैं, तो ऐसे आदिवासी विरोधी नेताओं और आदिवासी विरोधी पार्टी को यहाँ की जनता जवाब देगी। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के युवाओं के ऊपर और यहाँ के जोबट की जनता जनार्दन के ऊपर। हीरालाल अलावा कितना सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को? मैं खुल के कांग्रेस को सपोर्ट करूँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये उपचुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का नहीं है, ये चुनाव आज बेईमानों और ईमानदारों के बीच का है। आज जहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को उल्लू नहीं बना सकते हैं। आज जब चुनाव आए तो आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री जी झाबुआ में आकर घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जोबट की जनता क्या दिया? यहाँ के युवा बेरोजगार है, यहाँ पर गांव-गांव में लोगों को पीने के पानी नहीं है, स्कूलों में यहाँ टीचर नहीं है, यहाँ के जितने आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जो शिक्षक थे आज यहाँ पर 1000 बच्चों पर एक या दो शिक्षक थे, उनको भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में उनको ट्रांसफ़र करके अन्य जगह भेज दिया गया। तो आदिवासियों को अशिक्षित रखने की इनकी जो योजना है, आदिवासियों को वनवासी बनाने की इनकी योजना है, आदिवासियों को खिलाफ जो कानूनों को लागू नहीं करने की इनकी जो योजना है, आदिवासियों को दबाए रखने की इनकी योजना है, हम उनके खिलाफ काम करेंगे और मध्य प्रदेश में इस उपचुनाव में हम भारी बहुमत से कांग्रेस को जय बनाएंगे। आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, जयस क्या आंदोलन करेंगे? पिछले दिनों नेमावर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदिवासी विरोधी नीतियों के कारण और आदिवासी बेटियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देने के कारण हमने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। जयस के नेतृत्व में हमने नीमच के बाणदा में जयस के नेतृत्व में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था और मध्य प्रदेश में जहां पे भी आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता होगी हम लोग शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। और आज आदिवासी युवा जाग गए हैं, ये पढ़े लिखे युवा हैं, वो जानते हैं कि क्या सही क्या गलत। मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को अब बहका कर प्रलोभन देकर उनका वोट हासिल नहीं कर सकती और निश्चित ही हम जोबट उपचुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस और जेएस साथ में है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आज
आदिवासी युवाओं को रोज़गार चाहिए, आदिवासियों को स्वच्छ जल चाहिए, आदिवासियों को रहने के लिए घर चाहिए और यही विकास के मुद्दे हैं। अगर निश्चित ही अगर अगली सरकार 2023 में बनेगी तो हम बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के लिए नई नीतियाँ बनवाएंगे मध्य प्रदेश में और हम लोग गांव-गांव के विकास के लिए आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए और पेशा कानून के आदिवासियों के अनुरूप नए नियम बनाकर हम उनका विकास करना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ हीरालाल ललावा जो आदिवासी के विकास की बात कर रहे हैं और शिवराज सरकार पर ज़बरदस्त आरोप लगाए हैं। झाबुआ से जावेद खान।